सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट राउटिंग। तो रिएक्ट में जो एप्स बनती हैं ज्यादातर वो सिंगल पेज ऐप होती हैं, और सिंगल पेज ऐप का मतलब ये है कि जैसे हम नॉर्मली जब पेज चेंज करते हैं या किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, तो जब हम किसी भी नए लिंक पे क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा पेज सर्वर से लोड होता है, और उसकी निशानी ये होती है कि आपका ये ब्राउजर रिफ्रेश होता है। जब सिंगल पेज ऐप होती है तो जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका ये ब्राउजर रिफ्रेश नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हर रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाती बल्कि क्लाइंट साइड पे ही वो लोड हो रहा होता है। बीच में जो डाटा होता है वो बिहाइंड द सीन या बैक एंड पे एपीआई कॉल्स के जरिए लोड हो रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल पेज रिफ्रेश नहीं होता। अगर आप ये ऊपर देखें, पेज रिफ्रेश की निशानी है कि ये बटन आपको ब्लिंक कराता हुआ देखेगा या प्रोसेसिंग के सिंपल में देखेगा। मैं किसी भी पेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये पेज रिफ्रेश नहीं होता, बट इंस्टेंटली मेरा एक कॉम्पोनेंट नया लोड होता है विदाउट गेटिंग दिस होल पेज रीलोडेड। सो दिस मेक्स योर वेबसाइट वेरी फास्ट। तो बेसिकली रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऑब्वियसली एंगुलर भी इसी मॉडल पे काम करता है। तो ये बेसिकली होते हैं आपके क्लाइंट साइड रेंडरिंग जिसको बोलते हैं, या सिंगल पेज ऐप होती है। तो अब जो हम काम करने लगे हैं वो भी इसी तरह का काम करने लगे हैं। अभी तक जो हमने जी जी बोले क्वेश्चन सर मैं कह रहा हूँ सही है राइट। सो अब नॉर्मली जब हम रिएक्ट में काम करते हैं तो रिएक्ट भी सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट में बनाते हैं, लेकिन हमें अक्सर इस तरह से राउटिंग की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज राउटिंग? बेसिकली जब मैं एक कंपोनेंट में हूँ, लेट्स सपोज इस होम पेज पे हूँ, और मुझे इस होम पेज से साइन इन या रजिस्टर के पेज पे जाना है। सो इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दैट, तो मैंने आपको कहा कि पूरा पेज रीलोड नहीं होगा बल्कि एग्जिस्टिंग जो कंपोनेंट माउंट हुआ होगा, माउंट होने से मेरा आपके सामने डिस्प्ले हुआ होगा, वो अनमाउंट हो जाएगा और एक नया कंपोनेंट माउंट हो जाएगा दिस वन। यानी हमारे केस में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख रहे हैं मेरे पास एक हेडर का कंपोनेंट और एक लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ दैट होम का कंपोनेंट, दो कंपोनेंट मेरे पास माउंट हुए हुए। अगर मैं यहाँ भी एक मेन्यू बार बना दूँ या नेव बार बना दूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उस नेव बार के क्लिक पे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव करूँ, तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? दिस इज पॉसिबल थ्रू द कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज राउटिंग। तो राउटिंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम एक वेबसाइट या एक बनाते हैं आपका जो भी वेब पेज, इनफैक्ट वेबसाइट जिसमें मल्टीपल पेजेस, यहाँ मैं पेजेस नहीं कहूँगा कंपोनेंट्स कहूँगा, तो हम जब ये चाहें कि हम एक क्लिक करने पे किसी दूसरे कंपोनेंट में मूव हो जाएं, फिर क्लिक करें तो किसी और कंपोनेंट में मूव हो जाएं, इसी तरह वील कीप ऑन मूविंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ राउटिंग। तो वाई इट इज कॉल्ड राउटिंग? पहली बात तो ये है कि आप अपने सर्वर पे पड़े हुए किसी डिफरेंट रिसोर्स को लोड कर रहे होते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि जब हम कंपोनेंट माउंटिंग अनमाउंटिंग की बात करते हैं तो फिर सर्वर साइड से जो डेटा लोड होना होता है वो आपका पूरा पेज सर्वर पे नहीं जाता बल्कि बिहाइंड द सीन एपीआई कॉल्स के जरिए डेटा फेच होता है और वो डेटा किसी कंपोनेंट के लोड होने पे माउंट होता है। तो अब जब मैं होम पेज पे हूँ तो दिस इज कॉल्ड एज रूट यूआरएल या बेस यूआरएल, गॉट इट? इसको रूट यूआरएल कह ले। तो यूआरएल का मतलब आपको पता है कि ये किसी सर्वर का एड्रेस होता है जहाँ से आपकी वेबसाइट ने लोड होना होता है। अब जब मैं किसी भी एक पर्टिकुलर दूसरे पेज पे क्लिक करूंगा या दूसरे कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा, अब मैं बेशक पेज बोल दूं अनइंटेंशनली, आपने उसको कंपोनेंट ही कंसीडर करना है। हैव वी स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग? ओके वी हैव। सो अब जब मैं इसको लोड करता हूं या इसको लोड करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि रूट यूआरएल या बेस यूआरएल सेम है, सिर्फ चेंज हुआ है तो आगे उसका पाथ चेंज हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि हम जब भी कोई राउट चेंज करेंगे या किसी कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को लोड करेंगे तो उसका जो पाथ है वो हमें यहाँ मिलेगा। तो इस पाथ को हम पाथ कहने के बजाय राउट बोल देते हैं कि ये इस पर्टिकुलर कंपोनेंट तक पहुँचने का एक राउट है। तो ये राउट क्या है? बेसिकली बेस यूआरएल और उसके साथ मैंने एम्बेड कर दिया एक पाथ यानी /account/login। तो अभी मैं राउटिंग में ये बताऊंगा कि हम कैसे ये राउट्स खुद डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी के। अब अगर मैं यहाँ आगे मजीद क्लिक करूँ, ये /account/login है, तो मैं दोबारा क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो बाकी सारा कुछ सेम रहता है, सिर्फ आगे एक पर्टिकुलर उसने राउट चेंज करके रजिस्टर दे दिया और उसकी बेस पे उसने डिसाइड किया कि मुझे कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे जाऊँ एवरी डे वैल्यू पे, तो आप यहाँ पे भी जाएँ सो यू कैन सी दिस राउट बींग चेंज, देन यहाँ पे जाएँ यू कैन सी दिस राउट बींग चेंज, इसी तरह यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे जाएँ। तो ये बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ moving from one component to another component, that is called as a routing. तो हमने अभी तक जो काम पढ़ा है यहाँ पे,
हम यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स लिखते हैं वो सारे के सारे एट वंस डिस्प्ले हो जाते हैं। यानी अगर मैं लेट सपोज हेडर, होम, अबाउट और फुटर का कंपोनेंट है, तो अगर मैं इसको लोड करूंगा तो ये मेरा हेडर है, ये मेरा होम है, होम के नीचे जाएं तो यहाँ पे मेरा अबाउट का पेज है और यहाँ पे मेरा फुटर का कंपोनेंट पेज है, ये फुटर कंपोनेंट पेज है। तो बेसिकली इस वक्त जब तक हमने राउटिंग अप्लाई नहीं की तो हम जितने भी कंपोनेंट्स को रेंडर करेंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे पेज पे। हालांकि हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, लेट मी ब्रिंग सम टेक्स्ट इनसाइड द फुटर एंड अबाउट एज वेल सो दैट इट बिकम्स क्लियरली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू पीपल। दिस इज हेडर, दिस इज होम, दिस इज अबाउट, सो लेट्स इंजेक्ट सम मोर टेक्स्ट इन इट। इट्स गोइंग टू बी एच वन about the company and then inside P I'm having lorem ipsum and same is with the footer. Where is it? Footer mein this is H1, this is footer and now P or lorem 30. So if I now come back, this would now become more illustrative. तो अब ये देखें, मेरा टॉप पे हेडर कंपोनेंट, ये जो रेड में नजर आ रहा है, ये जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स लोड हो रहे हैं, ये सारे कार्ड्स नजर आ रहे हैं, ये मेरा होम कंपोनेंट, ये मेरा सारा का सारा अबाउट कंपोनेंट और ये मेरा सारा का सारा फुटर कंपोनेंट। अब नॉर्मली एक वक्त में एक पेज शो होना चाहिए, या मुझे होम पेज शो होना चाहिए या मुझे अबाउट पेज शो होना चाहिए। फुटर और हेडर तो टॉप बॉटम हर पेज में साथ होते हैं लाजमी, लेकिन आप उनके भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये काम करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे हेडर के अंदर जाके दो तीन बटन बनाने हैं ताकि मैं जिस बटन पे क्लिक करूँ उस बटन के अगेंस्ट वो वाला कंपोनेंट लोड हो जाए। तो अभी मेरे पास दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक होम और एक अबाउट का। हेडर और फुटर तो सारे कंपोनेंट्स के साथ आते हैं, तो मैं यहाँ पे हेडर में दो बटन बना लेता हूँ सबसे पहले, ताकि मैं एक छोटा सा नेविगेशन का लुक दे दूं कि मेरी एप्लीकेशन कैसे नेविगेट होगी। ये मैं एज इट इज रहने देता हूं कंपोनेंट्स और मैं जाता हूं स्ट्रेट अवे टू दी हेडर कंपोनेंट। और इस हेडर कंपोनेंट में इस काउंट से भी पहले मैं एक यूएल दे देता हूं और उस यूएल में एलआई और उस एलआई में एक एंकर टैग, बिकॉज जब हम क्लिकेबल कोई चीज बनाते हैं तो हम उसे एंकर टैग बनाते हैं। तो मैं इसे कहता हूँ जी सबसे पहले होम और उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कह देते हैं जी अबाउट। सो इफ आई कम बैक हियर, रिफ्रेश इट, ये होम और अबाउट आ गए। ठीक है, मैं इनकी स्टाइलिंग बेसिक सी कर दूं हेडर के अंदर यूएल। सो लेट्स गेट बैक, हेडर के अंदर यूएल है और यूएल के अंदर एलआई है। इसको मैं कह देता हूं जी लिस्ट स्टाइल टाइप, आई मीन लिस्ट स्टाइल टाइप व्हिच इज गोइंग टू बी नन। और इसके अंदर जो मुझे यूएल मिलता है मैं इसको दे देता हूँ डिस्प्ले, दैट इज गोइंग टू बी द फ्लेक्स, जस्ट ताकि एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। इनको थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं 12 pixels. So this is what home or about. तो अभी तक ये कोई navigation नहीं हो रही। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं home पे click करूँ तो यही component load हो, ये home वाला, और जब about पे click करूँ तो नीचे about वाला component load हो। यानी एक वक्त में एक show हो, ये तीनों show ना हो। तो how to do that? हम routing के लिए एक library use करते हैं React में, और React Router DOM उस library का नाम है। अब React Router DOM का वर्जन 6 है जो कंपैरेटिवली न्यू है। इससे पहले हम React Router वर्जन 5 के साथ काम कर रहे होते थे। तो अभी जब आप सर्च करेंगे React Router DOM तो हो सकता है कि आप वर्जन 5 पे लैंड करें। तो मेक श्योर कीजिएगा यूज करने से पहले कि आप React Router का वर्जन 6 यूज करें। ठीक है, सो लेट मी गो अहेड और मैं आपको बताता हूँ कि क्या पहचान है वर्जन 5 की और वर्जन 6 की। जब आप अभी देखें गूगल से मैंने भी सर्च किया तो इसने ये पेज मुझे लोड कर दिया, तो ये मुझे दिखा रहा है वर्जन 5.reactrouter.com। So I don't have to use the React Router version 5. In fact, you can use it. लेकिन चूंकि एक नई चीज़ आ चुकी है तो हमें पुरानी चीज़ को इस्तेमाल करने का कोई खास
फायदा नहीं है क्योंकि नई और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ज्यादा वैल्यूबल होती है. तो मैं रिएक्ट राउटर डॉम के साथ लिखूंगा, मेंशन करूंगा रिएक्ट राउटर डॉम 6. तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, तो इसकी पहचान ये है कि आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा रिएक्ट राउटर डॉम और V6. तो इसका जो होम इंटरफेस है वो इस तरह का होगा. तो एज यूजुअल हमें कुछ भी यूज करने से पहले या कोई भी लाइब्रेरी है उसमें काम करने से पहले हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ता है. तो ये उसकी इंस्टॉलेशन कमांड है, npm install react router dom @6. तो मैंने इसे कॉपी किया और लेट मी ओपन दी अनदर टर्मिनल. यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. इसको क्लोज कर दें और इसको भी क्लोज कर दें. सो लेट्स कम बैक हियर. सो मेरी ये रिएक्ट राउटर डॉम जो है इंस्टॉल हो चुकी है. मैं जाके package.json में वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि रिएक्ट राउटर डॉम मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है. यस, रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 ये लाइब्रेरी है हमारी राउटिंग के लिए. सो इसको हम कर देते हैं क्लोज, इसको भी हम कर देते हैं कोलैप्स और इसको भी बंद. वापस आ जाए रूट कंपोनेंट में. अच्छा, ये कोशिश करें कि आप कभी भी रिएक्ट एप्लीकेशन के रूट कंपोनेंट में कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक ना लिखें. रूट कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ राउटिंग की लॉजिक लिखें. ठीक है, ये जो मैंने कंपोनेंट रेंडर किया ना, हेडर, होम, अबाउट, फुटर, आई एम गोइंग टू मूव देम इनसाइड द राउटिंग. तो अगर आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक होम कंपोनेंट में लिखी होगी तो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रबल और अ प्रॉब्लम और इनफैक्ट दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी. इसलिए जैसे आप देखें, मैंने होम कंपोनेंट में सिर्फ कोई लॉजिक नहीं लिखी हुई, सिर्फ कंपोनेंट्स को रेंडर किया हुआ है. अब इनको मैं राउटिंग के साथ कैसे लिंक करूंगा? सो लेट्स गेट बैक टू द डॉक्यूमेंटेशन एज वेल. और यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितनी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं मैं इनको इंपोर्ट करूंगा और इंपोर्ट करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट एक्चुअली दे आर. बेसिकली दे आर, इट इज नथिंग बट द बिल्ट इन कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड बाय द React Router DOM Library. आपको पता है कि जब हम अपने components बनाते हैं तो उन components को import ऐसे ही करते हैं. मुझे आप में से कोई ये बता दे कि ये curly bracket में import करना और बगैर curly bracket के import करना, इनमें क्या फर्क है? सर default जो होते हैं उन्हें हम बगैर curly bracket के करते हैं. एक तो वो कंपोनेंट में ही होता है. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. जो हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें हम इंपोर्ट करते वक्त कर्ली ब्रैकेट में नहीं देते, जैसे फुटर, हेडर. तो इसका मतलब ये है कि लाइब्रेरी खुद हमें कह रही है कि कर्ली ब्रैकेट में, तो हमें क्या समझना चाहिए कि इस लाइब्रेरी से ये जो कंपोनेंट्स बना के एक्सपोर्ट किए गए हैं ये नेम्ड कंपोनेंट है, डिफॉल्ट कंपोनेंट्स, यानी ये नेम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स नहीं है. ठीक है, तो ये कुछ शेप्स या शक्लें देख के आपको याद आ जाती है या समझ आ जाती है. अब वापस जाएं इसमें और ये हमें खुद बता रहा है कि आपकी पूरा का पूरा राउटर जो है, यानी पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो इनक्लोज्ड होनी है किधर, ब्राउजर राउटर के अंदर, फिर उसके अंदर राउट्स और फिर उसके अंदर राउट. यानी मुझे तीन कंपोनेंट्स उसने दिए हैं, एक ब्राउजर राउटर, एक राउट्स और एक राउट. तो इनको यूज कैसे करना है, लेट मी कमेंट एवरीथिंग ऑल दीज कंपोनेंट्स फर्स्ट और लेट मी कम बैक हियर. तो सबसे पहले आपने क्या यूज करना है, आपने ये वाला कंपोनेंट यूज करना है जो आपको रिएक्ट राउटर डॉम ने खुद दिया है. आप सिंपली इसको, उसके बाद आपको इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट यूज करना है, राउट्स प्लूरल वाला. यानी आपको जब भी राउटिंग करनी है तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट यही होना है कि आपको राउट, यानी ब्राउजर राउटर के अंदर राउट्स रखने हैं. अब हमने इस राउट्स के अंदर सारे के सारे अपने राउट डिफाइन करने हैं. मैं आपको राउट बता चुका हूं क्या होते हैं बेटा. यहाँ पे ये देखें, ये एक राउट है बेसिकली, ये इसकी मिसाल है. जब मैंने इस पे क्लिक किया तो वो राउट चेंज हो गया, जब इस पे क्लिक किया तो वो राउट चेंज हो गया, जब इस पे क्लिक किया तो, यानी दिस इज दिस पार्ट ऑफ द यूआरएल, यानी बेस यूआरएल तो है ही है ना, उसको छोड़ दें, उसके आगे ये जो पाथ लिखा होता है इसको हम बेसिकली राउट बोलते हैं. तो अब ये जो राउट्स हैं ये हमने इसके अंदर डिफाइन करने हैं और कहाँ डिफाइन करने हैं, दिस इज अगेन टोल्ड बाय द रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ. ये देखें सिंगुलर राउट है. तो मैं अगर इसको यहां से कॉपी कर लूं या कॉपी ना भी करूं, मैं यहां पे आपको मैन्युअली लिख के बता देता हूं राउट. अब ये जो राउट है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये सारे के सारे बिल्ट इन कंपोनेंट्स नहीं है बल्कि ये इस लाइब्रेरी के प्रोवाइडेड हैं, जो लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं रिएक्ट राउटर डॉम. तो इसमें भी कन्वेंशन तो सारी यही यूज होगी जो हम अपने कंपोनेंट्स में यूज कर रहे हैं. और अपने कंपोनेंट्स में क्या कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, हमने कंपोनेंट का नाम लिखा और उस कंपोनेंट में जितनी मर्जी हम प्रॉप्स चाहें पास कर सकते हैं. तो बिल्कुल यही कन्वेंशन और यही मेथड चल रहा है
कि हमें राउट का कंपोनेंट रिएक्ट राउटर डॉम ने दिया है और उसने कुछ प्रॉप्स भी दिए हैं कि आप इसमें प्रॉप्स पास कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रॉप है पाथ का और ये राउट का कंपोनेंट, दूसरा प्रॉप देता है एलिमेंट का। अब इन दोनों प्रॉप्स में हमने वैल्यू क्या पास करनी है। पाथ का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी का पाथ दे सकता हूँ। तो मैं सपोज करता हूँ कि अगर मेरे ब्राउजर के राउट में सिर्फ स्लैश आए तो कौन सा कंपोनेंट लोड करो, या सिर्फ टेस्ट आए या सिर्फ होम आए। मैं ये सपोज करता हूँ कि यहाँ पे ब्राउजर राउटर और उसके बाद राउट्स, ये तो हर दफ़ा लाजमी आएगा, ये दोनों चीज़ें इन्हीं के अंदर सारे राउट्स रैप होने हैं। अब आगे ये होना है कि मैंने कहा कि एक राउट का कंपोनेंट है और उसका जो प्रॉप है पाथ, ये पाथ मेरी मर्जी का होगा। मैं इसमें होम लिखूँ, ए बी सी लिखूँ, एक्स वाई जी लिखूँ, पी क्यू आर लिखूँ, जो कुछ भी लिखूँ मैं लिख सकता हूँ। अब ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा और आपको कैसे पता चलेगा, लेट मी एक्सप्लेन इट। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी एप्लीकेशन में यहाँ पे जब भी यूजर स्लैश के बाद होम लिखे तो होम लिखने पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी यूजर इधर आके होम लिखे तो एलिमेंट्स में मैं डिफाइन करूंगा कि ये कंपोनेंट रेंडर हो, और ये कंपोनेंट कौन सा रेंडर हो, होम के अगेंस्ट मैंने ये कंपोनेंट बनाया हुआ ऑलरेडी। तो मैं इसको उठा के यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ कट, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। बाकी कन्वेंशन वही होगी कि अपने कंपोनेंट में जितनी प्रॉप्स जा रही हैं वो जाने हुए, सब कुछ वही होगा। लेकिन अब ये कंपोनेंट मैंने राउट स्पेसिफिक कर दिया कि ये कंपोनेंट हर दफा लोड नहीं होगा, ये हर टाइम लोड नहीं होगा, ये कंपोनेंट सिर्फ उसी वक्त लोड होगा जब ब्राउजर के यूआरएल में ये पाथ आएगा होम का। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, इसी तरह मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं, तो अब मैं ये दूसरा राउट दूंगा और मैं ये कहता हूं कि अब जब भी ब्राउजर के पाथ में अबाउट आएगा तो फिर कौन सा कंपोनेंट रेंडर करो। फिर मैं इसको रिमूव कर दूं और मैं यहां से ये वाला कंपोनेंट कट करके यहां पे पास कर देता हूं। तो अब ये जो पाथ्स है ना, ये आपकी मर्जी के हैं, आपकी चॉइस के हैं, लेकिन कोशिश करेंगे ये पाथ्स आप मीनिंगफुल दें, मतलब ऐसे ही रैंडम नेम्स ना दें। तो चूंकि होम डज मेक सेंस कि व्हेनेवर होम कम्स इनटू द यूआरएल आई वांट टू लोड द होम कंपोनेंट, व्हेनेवर यूजर राइट्स अबाउट इन द यूआरएल दिस अबाउट शुड गेट ट्रिगर्ड। अभी मैं हेडर और फुटर पे नहीं जा रहा, ठीक है। So let me go back and let me come here, refresh it, and nothing is loaded. Uski wajah ki mera ye jo path hai, route kya dhoond raha hai, path dhoond raha hai, aur usko ye path to mil hi kahin nahi raha. Agar main yahan pe likhu home aur enter press kar dun to ab mera sirf aur sirf home ka component render hua hai, nothing else. Agar aap bottom pe dekhen no footer, top pe dekhen no header, theek, I am only loading home component. Aur agar main yahan se home ko change karke अबाउट पास कर दूं तो आई एम जस्ट लोडिंग दिस अबाउट पेज, नॉट हेडर, नॉट फुटर, नथिंग एल्स। क्लियर हो गई ये बात? Yes. और अगर मैं यहाँ पे एक दो मजीद कंपोनेंट्स बना लूं, लेट मी इनफैक्ट पेजेस बना लूं, लेट मी गो अहेड एंड लेट मी क्रिएट दी पेजेस, और वो पेजेस मैं कह देता हूँ जी के फॉर एग्जाम्पल साइन इन, इसके अंदर मैं बना लूं जी इंडेक्स डॉट JSX, और ये यू कर लूं एंड देन इसको मैं कर लूं साइन इन, और दैट्स गोइंग टू बी H1 साइन इन पेज, और जस्ट अ डमी टेक्स्ट लोरम दिस। अब अगर मैं यहाँ पे ये तीसरा राउट भी डिफाइन करना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि जब भी यूजर यूआरएल में लिखे साइन इन तो उसको कौन सा कंपोनेंट मिले, साइन इन, और ये ऑटो इंपोर्ट हो गया यहाँ पे साइन इन, ठीक है, ये साइन इन। सो नाउ इफ आई गो एंड राइट साइन इन ओवर हियर, तो व्हाट शुड बी देयर, माय साइन इन पेज इज देयर, एंड इफ आई राइट अबाउट ओवर देयर, what is it, about the company is there, and if I write home over there I do have the home component. Lekin ab masla ye hai ki mujhe manually yahan aake type karna pad raha hai, aisa to nahi hona chahiye
I should have those buttons कि मैं जब उन buttons पे click करूँ तो ये खुद बहुत load हो जाए मुझे manually, तो URL में कोई भी नहीं लिखता. So let's go back. उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले header और footer को activate करना है, क्योंकि जो links हैं जिन पे click करके मुझे कोई चीज़ open करनी है वो header के अंदर मौजूद है. ठीक है. So now, अब normally याद रखें कि आप header को किसी भी button के click पे या URL path पे load नहीं कराना चाहते. आप ये चाहते हैं कि header और footer लाजमी हर component के साथ ही हों. और normally होता भी ऐसे है कि आप जिस पेज पे भी मूव करेंगे हेडर फुटर साथ होंगे. लेट मी शो यू दिस एग्जांपल. अगर मैं इधर हूं हेडर भी देखें और फुटर भी देखें, अगर मैं चेंज करके इधर आ गया दूसरे कंपोनेंट में तो हेडर और फुटर रिमेंस द सेम, बीच में कंटेंट चेंज हुआ. इफ आई क्लिक ऑन दैट, सो इफ यू कैन सी इट, हेडर एंड फुटर रिमेंस द सेम, द कंटेंट इज गेटिंग चेंज्ड. एंड इफ आई क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट, हेडर एंड फुटर रिमेंस द सेम, द कंटेंट इनसाइड इज गेटिंग चेंज्ड. सो द थिंग इज कि मुझे हेडर और फुटर को राउटिंग से बाहर रखना है, इनको किसी राउट के साथ स्पेसिफिक नहीं करना. तो ऐसे केस में या ऐसे सिनेरियो में आप इस हेडर को यहां से कट करें और राउट्स से बाहर और ब्राउजर राउटर के अंदर, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ब्राउजर राउटर के अंदर और राउट्स से बाहर. राउट से बाहर क्यों, क्योंकि मैं इन दोनों को राउट के साथ, किसी राउट के साथ माउंट नहीं करना चाहता. तो आई हैव पेस्टेड इट, फॉर्मेटेड द डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा इंडेंट कर लें ताकि रीडेबिलिटी में आसानी हो. कंट्रोल एस, कमेंट्स को रिमूव कर दें. अब ये हेडर और फुटर हर कंपोनेंट के साथ होंगे और ये जो बीच राउट्स के अंदर जो भी लॉजिक लिखी हुई है ये ऑब्वियसली इट वुड बी बेस्ड ऑन द पाथ दैट इज कमिंग इनसाइड द यूआरएल. सो इफ आई गो हेड, अब ये देखें इस वक्त मेरे पास नीचे फुटर लोड हो रहा है, दरमियान में होम का पेज लोड हो रहा है और टॉप पे हेडर लोड हो रहा है. अगर मैं यहाँ से होम की जगह अबाउट कर दूंगा तो हेडर और फुटर सेम रहेंगे. Let me do. Header और footer same रहेंगे, बीच में content change हो गया. अगर मैं यहाँ पे sign in करूँगा, तो header और footer same रहे हैं, बीच में content change हो गया. So getting my point? Yes, sir. So the next thing is कि मुझे क्या करना है? अब मुझे इन buttons को enable करना है. अब ये देख लें कि जब मैं इन buttons पे click कर रहा हूँ home पे और about पे तो कुछ भी नहीं हो रहा. उसकी वजह यह है कि मैं बेसिकली इन बटन्स को, लेट मी गो टू द हेडर जहां पे ये बटन डिफाइन है, इन बटन्स पे मैंने हैश दिया हुआ है और हैश नॉर्मली तब देते हैं जब आपके पास कोई भी लिंक ना हो. लेकिन अगर मैं हैश हटा दूं तो होगा क्या, जरा ये देखिएगा. अब जब मैं होम पे क्लिक करता हूं तो कैन यू सी दिस पेज गेटिंग रिफ्रेश्ड. जब अबाउट पे क्लिक करता हूं तो पेज रिफ्रेश हो रहा है, होम पे भी क्लिक करता हूं तो पेज रिफ्रेश चेंज हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है. तो मैंने आपको क्या कहा था कि सिंगल पेज ऐप में आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना. गॉट इट? तो yes, हम sir, बिल्कुल. सबसे पहले तो ये करेंगे कि जब होम पे क्लिक हो तो, अच्छा, ये पेज रिफ्रेश होने का मतलब पता है क्या है? एंकर टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि ये रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजता है और सर्वर से जाके नया पेज लोड करता है. तो अब मैं सर्वर पे तो भेज नहीं रहा, ना भेजना चाहता हूँ, क्योंकि रिएक्ट ऐप की वायलेशन है कि आप पेज को सर्वर से लोड कराएं. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एंकर टैग्स की जगह कोई और लॉजिक यूज करेंगे. तो आपकी ये जो रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी है ये आपको एक और कंपोनेंट देती है विच इज लिंक. ये भी बिल्ट इन कंपोनेंट है. गॉट इट? इनसाइड दिस रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये चीज मुझे लिंक यहाँ पे तो नहीं चाहिए, मुझे लिंक तो अगले पेज पे चाहिए जहां पे मैं क्लिक करूंगा. यानी इस एंकर टैग्स की जगह तो मैं इस React Auto DOM को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, बाकी सारी चीजें हटा दूंगा, मुझे सिर्फ लिंक चाहिए इस लाइब्रेरी से. और अब जहां भी बटन्स को क्लिकेबल बनाना है या राउटिंग लगानी है, आप एंकर टैग को रिप्लेस करेंगे विद द लिंक टैग. दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट. दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ राउटिंग. अब जब आप लिंक टैग से रिप्लेस कर देंगे तो ये जो href है ये बेसिकली एंकर टैग का था. हम href की जगह हमें एक और प्री डिफाइंड प्रॉप मिलता है टू. तो हम href की जगह लिंक के साथ क्या प्रॉप लगाते हैं, टू. ये भी क्लियर है? जी सर बिल्कुल. यानी हम रिएक्ट में एंकर टैग यूज नहीं करेंगे, सादा सी जुबान में ये एंकर टैग की जगह उसकी रिप्लेसमेंट लिंक इस्तेमाल करेंगे और लिंक के साथ टू. अब इस टू में यहां पे मैं बेसिकली वो पाथ दूंगा स्लैश होम और मेक श्योर कि जो पाथ आप लिंक टैग में देते हैं ये पाथ यहाँ राउट्स में डिफाइन होना चाहिए. तो मैं दे रहा हूँ होम,
तो इसका मतलब यह है लिंक टैग का काम क्या है कि जब इस होम पे क्लिक होगा तो लिंक टैग इस स्लैश होम को उठा के आपके यू आर एल पे लोड कर देगा। इसी तरह यहां पे मैं आगे कहता हूं ए बी ओ यू टी अबाउट, और सिमिलरली मैं यहां पे कहता हूं साइन इन, और यहां आगे मैं कहता हूं साइन इन। सो इफ आई नाउ गो बैक और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, मेरे पास ये तीन बटन आगे, अब मैंने होम पे क्लिक किया तो आप देख लें ब्राउजर के यू आर एल पे होम लोड हो गया और ये होम ऐप में जाके जिस राउट के साथ मैच हुआ वो कंपोनेंट रेंडर हो गया। देन मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो ये राउट पे अबाउट आ गया। तो लिंक टैग का ये काम था कि जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो अपना टू वाला जो प्रॉप है उसका टेक्स्ट उठा के यू आर एल में एम्बेड कर देता है, एंड देन सिमिलरली साइन इन। और अब आप पेज को भी देखें, पेज इज नॉट गेटिंग रिफ्रेश्ड एंड माई कंपोनेंट इज गेटिंग चेंज, सो आई हैव सक्सेसफुली एक्चुअली अप्लाइड द बेसिक राउटिंग इन माई एप्लीकेशन। क्लियर हो गया जी? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, अदरवाइज आज के बाद मैंने जैसे आपको बोला कि आप अपनी रूट कंपोनेंट विच इज ऐप वहां पे कोई लॉजिक नहीं लिखेंगे एक्सेप्ट राउटिंग, क्योंकि देख ले मैंने साफ सुथरा वो पहले से रखा हुआ था कंपोनेंट, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने कोई लॉजिक नहीं लिखी हुई थी, मैंने इसको राउटिंग के लिए ही छोड़ा हुआ था। सो यहाँ तक किसी को मसला मसाइल? बिलाल हैं, चले गए। So that's pretty much it for today. I'll not be moving ahead because इतना आप कल अपने routes बना के अपने routes के around move करेंगे और then फिर हम मजीद कल routing की कुछ advanced चीजें भी देखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ तक अगर कोई मसला मसाइल नहीं है तो we are good to leave today. ठीक है सर, ठीक है। Okay, thank you. Okay. Allah Hafiz.